बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। आज हम आपके जो पेंडिंग सवाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे, सीनियर ऑडिटर के और बाकी एफपीएससी के जितने भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हमारे एस्पिरेंट्स हैं। तो इस एरिया में हम जो मेन टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं, और जो एक हमारा टॉपिक कवर हो चुका है, जो ऑलरेडी बैच वन के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पहले बात करूंगा, बैच वन वालों को। जो अभी हमारा बैच वन तो अब ख़त्म हो जाएगा क्योंकि फुल हो चुका है, अब बैच टू स्टार्ट हो जाएगा, बैच टू स्टार्ट होगा। लेकिन बैच वन के लिए मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने सिगमेंट कर लिया है फिज़िकल पार्ट को, जिसमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंटरव्यू और आपकी मेंटल एक्सरसाइजेस, मेंटल, फिज़िकल और ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस, आपने सिर्फ और सिर्फ लेक्चर सुनने नहीं है। आप लोगों की तरफ से आ रहा था कि हमने ये लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, तो लेक्चर सिर्फ और सिर्फ जस्ट लिसनिंग नहीं है, बल्कि उनको अपने ऊपर अप्लाई करना है। और इनको फॉलो करते करते आपको कम अज़ कम 2 से 3 मंथ का टाइम चाहिए होता है अपनी जो रूटीन बनाते हुए, तो उनको आप अप्लाई करें। अब तो मौसम थोड़ा सा शदीद है, तो जो ही ये जुलाई अगस्त का महीना ख़त्म होगा तो उसके बाद आपने ज़्यादा इस पहले एरिया जो पहले 14 हमने लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, 1 से लेके 14 तक, मज़ीद भी शायद कुछ इसमें ऐड हो भी जाएं, तो ये आपने फोकस करना है। और इन पे आपने जो आप लोगों को गाइडलाइन दी गई है उस पर आपने प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले तो ये बात। दूसरे नंबर पे हम बैच टू जो है वो स्टार्ट हो रहा है आज से, और बैच टू स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि हम ये चाह रहे हैं, कुछ के सवालात के जवाब थे कि हमारा प्रैक्टिस कैसे होगी। तो हमने ये प्लान किया है कि हम बैच वाइज जैसे जैसे सीनियर बैच होंगे उनको पहले, और जो बाद में आने वाले होंगे लोग उनके बाद में, हम इंटरव्यू की प्रैक्टिस किस तरह करेंगे। हम स्काइप के ज़रिए इंटरव्यू करेंगे जो दूर रहने वाले हैं, स्काइप के ज़रिए, और उस पर हम एक सेशन करेंगे। अगर फ़र्ज़ किया किसी को इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत है तो उसको हम सेकेंड सेशन के लिए भी डेट देंगे कि आपको दोबारा जो एक दफ़ा प्रिपेयर होके तो आपने स्काइप पे ही दोबारा इंटरव्यू देना है। ये तो हो जाएगा कि जो हमारे नॉर्मल सारे कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे उन सब के स्काइप पे तो इंटरव्यू होगा। अगर उनमें से कोई ये चाहते हैं कि हमारा फ़िज़िकल इंटरव्यू हो, कोई कमेटी टाइप बनाए, तो जो हमारा प्रैक्टिकली जिस तरीके से एफपीएससी में इंटरव्यू होता है उसी तरीके से डिज़ाइन करें, तो उसके लिए मुझे जो है वो टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा, और एक आप लोगों के लिए सिटिंग प्लेस, और सबसे बड़ी बात जो है प्रोफेशनल ऑफिसर्स जो है मुझे हायर करने पड़ेंगे उसके लिए। तो जो उसमें ख्वाहिशमंद होंगे कि हमारा फ़िज़िकल हो, तो उनको इस्लामाबाद में आना पड़ेगा, एक दिन के लिए आते हैं तो भी काफ़ी है, तो उनके जो है टाइम हम उसके लिए मैनेज कर लेंगे, और वो जब इस्लामाबाद आएंगे तो उनको फिर हम एक ही दिन में फ्री कर देंगे, कोई ज़्यादा रहने का या स्टे करने का नहीं है। तो जो करीब शहरों में रहते हैं वो तो आ सकते हैं, अगर कोई दूर से आएगा तो वो एक आधा वीक रुक भी जाएगा, तो फिर हम उसके लिए 2-3 उसके सेशन करवा देंगे। तो उसके लिए फिर आपने ये करना है कि आपको जो इधर आके क्लास प्रैक्टिकली इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो वो हम डिसाइड कर लेंगे कि उन्होंने 2 दिन रहना, 3 दिन रहना या हफ्ता रहना है। तो जिसका जल्दी जिसका हमें फ़ील हुआ कि ये ठीक है, ये इंटरव्यू में जा सकता है, इसको कोई परेशानी वाली बात नहीं, उसको स्टे करने की ज़रूरत नहीं होगी। जिसको हम देखेंगे कि ये इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है तो फिर उसको हम कहेंगे कि वो स्टे कहीं कर ले, और कोशिश करेंगे कि हम किसी हॉस्टल वगैरह से बात भी कर लें जो आप लोगों को बेहतर क्वालिटी की सर्विसेज दे सकता हो, तो फिर आप वहाँ पे स्टे करके तो दोबारा जो हमारे सेशन है उनमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अलग से आपको फ़ी पे करने पड़ेगी, ये आपको यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ। उसके बाद हमारा जो मेन अगला एरिया जिस पे आपने फोकस करना है, बैच वन भी और बैच बाकी आने वाले भी, आपने जो प्रोफेशनल आपके पहले लेक्चर्स हैं उनको भी अपडेट करना है, और हम कोशिश करेंगे कि बाकी भी उनमें कुछ चीज़ें बेसिक लेवल पे कंसेप्ट जो हैं इकोनॉमिक कॉमर्स के लिए जो है वो ऐड करें, ताकि आप लोगों को मज़ीद जो है थोड़ा सा आपका प्रोफेशनल एरिया पॉलिश हो सके। इसके अलावा पाकिस्तान स्टडी बेसिक लेवल की,
पाकिस्तान स्टडी और इस्लामिक स्टडी, ये भी बेसिक लेवल की, और इसके अलावा कुछ जनरल नॉलेज वगैरह भी हम ऐड कर देंगे। और इसके अलावा मेन एरिया जो है हमारी बेसिक्स जो हैं काफ़ी सारी इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं, हम उस कोर्स को भी इसमें कवर करेंगे। तो ओवरऑल आपका कोर्स इतना आसान नहीं होगा, ये आपके जो आपने ट्रेनिंग की थी, हालांकि इंटरव्यू को सिर्फ फोकस करें तो काफ़ी है, लेकिन आपके कई सारे सवाल आपके माइंड में आते होंगे, लेकिन मैं उसको एज ए टीचर जब देखता हूँ तो मैं उसको ब्रॉडर एरिया में देखता हूँ। कई सारी चीज़ें उनको आप कंसीडर नहीं कर रहे होते, आपको सिर्फ चंक एक इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होती है कि ये चीज़ भी होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको ओवरऑल पिक्चर में देख रहा हूँ कि आप इंटरव्यू में कम अज़ कम जो है 200 में से 170 प्लस नंबर कैसे आपको लेके देने हैं, या आप किस तरीके से अच्छे तरीके से मतलब तैयार होकर जाएँ, तो 170 प्लस आप लें, ताकि आप लोगों को जो है ये हमारा जो सेशन है जो लेने का मकसद है अल्टीमेटली आप प्रोफेशनली। और एक आप लोगों को गारंटी दे दूं कि एक दफ़ा जब आप इंटरव्यू का ये सेशन कर लेंगे, इंटरव्यू का ये सेशन हमारे साथ कर लेंगे, तो उसके बाद आपको लाइफ में कहीं कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू के। आप समझ जाएंगे कि इंटरव्यू में क्या होता है और आपको किस तरीके से तैयार करना है, और बेहतर है कि अपने साथ में नोट्स भी बनाते जाएं और पॉइंट्स बनाते जाएं जो आपको एडिशनल चीज़ें लगती हैं या देर पा याद रखनी है, या जिन एरियाज में आप वीक लगते हैं वो एरिया आपको बेहतर करने की ज़रूरत है, तो उनको फोकस करने के लिए आप अपने नोट्स बनाते जाएं, ताकि आप बाद में जब आप, ज़ाहरी बात है एक दफ़ा 16 ग्रेड में सिलेक्शन आपकी हो जाती है, तो उसके बाद आपने मज़ीद अपने कैरियर को यहाँ पे स्टॉप नहीं करना, आगे चल के आपने तैयारियाँ करते रहना है और 17, 18, 19 इस तरीके से जॉब्स को स्विच करके आपने आगे चलना है। अदरवाइज़ प्रमोशन के लिए तो फिर टाइम लगेगा और आपको वेट करना पड़ेगा, तो वो चक्कर में नहीं, जिन्होंने मास्टर किया हुआ वो आगे अपनी थोड़ा सा विजन और रखें। एक चीज़, एक सीढ़ी जब हासिल हो जाती है तो दूसरी सीढ़ी पर पहुँच रखने के लिए आपको, तो ये आप लोगों को मैं थोड़ा सा जो सवाल आते हैं कि हमारा इंटरव्यू की प्रैक्टिस कैसे हो गई, या फिज़िकली आप इंटरव्यू करवाएंगे या नहीं करवाएं, मेन एरिया ये था हमारा। बाकी मैंने काफ़ी सारे लड़के कोर्स के बारे में पूछ रहे थे कि हमें क्या कुछ पढ़ाया जाएगा, और यहाँ पर मैं दोबारा आपको बताता चलूँ कि हमने फ़ीस जो है बहुत लिमिटेड रखी है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं मैं उनको इनकार नहीं कर पाता, तो वो बार बार जो है वो उस चीज़ को थोड़ा सा स्ट्रिक मतलब रहें कि इस फीस, इस पूरे कोर्स की जो फीस है विद स्काइप इंटरव्यू, यही हमने रखी है। बाकी अगर कोई फिज़िकली कोई ज्वाइन करेगा तो उसकी अलग से फ़ीस होगी, वो हम बाद में देखेंगे कि कितना हमारा ओवरऑल जो है वो एक्सपेंसेस आएंगे उसके लिए, कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो उसके बाद ही वो फ़ीस का हम डिसाइड करेंगे, अभी उसके लिए कोई प्लान नहीं है। जिन्होंने ज्वाइन करना हुआ वो मुझे बता देंगे, तो उनके लिए बाद में एंड पे जब उनका स्केड्यूल करीब हुआ तो उस वक्त हम अरेंज करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें कवर करने के लिए आपकी फ़ीस इंतहाई कम है, और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम भी हमने जो सेशन करवाया, तो क्वालिटी नॉलेज आपको टू द पॉइंट डिलीवर किया जाता है जो आपके लिए ज़रूरी होता है, तो उस पे जो है थोड़ा सा आप ख्याल रखें कि मतलब इतनी लिमिटेड फ़ी के बाद भी थोड़ा सा बंदे को वो फील होता है कि ये जो शायद वो बार्गेन वाला एलिमेंट है, अच्छा नहीं लगता ना। जब मैं खुद ही आप लोगों का एहसास कर रहा होता हूँ तो आप लोगों को भी करना चाहिए। तो कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, जो ऑलरेडी हमारा बैच किसी ने ज्वाइन नहीं किया था और अब जो है इंटरव्यू का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके पास नंबर होना चाहिए, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा सेल नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही मैंने कहना था, ताकि आप लोगों को सारी तसल्ली हो जाए कि जिस डायरेक्शन में मैं लेके आपको मूव कर रहा हूँ, ताकि वो आपको तसल्ली रहे कि वो सही है, प्रोफेशनल है, और आई नो वेरी वेल बेटर देन एज न्यू एस्पिरेंट, क्योंकि हमने ये एक्सपीरियंस से गुजरे हुए, क्या क्या मसले आ सकते हैं, क्या मसले नहीं आ सकते, उनको हम फोर्स सी करके उसी डायरेक्शन में लेके चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।